गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, नमस्कार। सीआईईटी एनसीईआरटी के लाइव इंटरैक्टिव सत्र में मैं कुसुम प्रसाद आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये लाइव सेशन है क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स के लिए और आज का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और आज का जो टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी पार्ट टू। इसे हम पढ़ेंगे और इसे पढ़ाने के लिए हमारी एक्सपर्ट हैं मिस सविता ग्राहक मैम। हम आपसे मिलवा देते हैं, मैम का से परिचय करा देते हैं। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार कुसुम जी और हमारे दर्शकों को भी नमस्कार। जी सविता मैम है टीचर गीता निकेतन आवासीय विद्यालय से सलारपुर रोड कुरुक्षेत्र से। तो मैम बताएंगी इस चैप्टर के बारे में, और लेकिन इससे पहले कि हम आज का सत्र शुरू करें हम बता देते हैं हमारे विभिन्न माध्यम कौन कौन से हैं। स्टूडेंट्स, किस तरह से आप इस सत्र से जुड़ सकते हैं, किस तरह से अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा सकते हैं, अपने फीडबैक हमें दे सकते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर पर, वो है 8800440559 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है dth.class10@cit.nic.in पर। और एक और जरिया है हम तक पहुंचने का और इस सत्र से कनेक्ट होने का, वो है हमारा यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑफिशियल। इसके लाइव चैट में जाकर आप अपने मैसेजेस अपने सुझाव ड्रॉप कर सकते हैं और सीधे इस सत्र से जुड़ सकते हैं। तो ये थी तमाम जानकारी कि किस तरह से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हम मूव करते हैं हमारी एक्सपर्ट सविता मैम की तरफ, वो आपको पढ़ाएंगी इस चैप्टर को प्रोबेबिलिटी पार्ट टू। यस मैम। जी बिल्कुल कुसुम जी, तो हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। हम ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि हमने कुछ एक एग्जांपल्स रियल लाइफ से लिए थे कि किस तरह से हम किसी भी इवेंट के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। हमने जो डिस्कस किया था, एक बार ब्रीफ में हम डिस्कस करते हैं, देन वी विल प्रोसीड अहेड। हमने डिस्कस किया था व्हाट डू वी मीन बाय एक्सपेरिमेंट, व्हाट डू वी मीन बाय रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे हम कोई भी कॉइन अगर टॉस करते हैं तो देट इज एन एक्सपेरिमेंट। हमें समझ आ रहा है कि कॉइन को टॉस करने पर आइदर हेड और टेल आएगा तो देट इज एन एक्सपेरिमेंट। इसी तरह से अगर हम बहुत सारे 52 कार्ड्स का हमारे पास डेक होता है, 52 कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड हमने निकालना है आफ्टर शफलिंग दोज कार्ड्स, सो दैट इज आल्सो नोन एज एन एक्सपेरिमेंट। वी हैव डिस्कस्ड द टर्म्स ट्रायल। हमने डिस्कस किया था कि सैंपल स्पेस किसे कहते हैं। सैंपल स्पेस इज जस्ट द शोकेस ऑफ ऑल द इवेंट्स जो हैपन हो सकते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क होने पर। जैसे हमने दो कॉइन्स को इकट्ठे टॉस किया तो फर्स्ट कॉइन पर हेड टेल कोई भी आने की पॉसिबिलिटी है। दैट मींस फर्स्ट कॉइन पर हो सकता है हेड और सेकंड कॉइन पर भी हेड आ जाए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फर्स्ट कॉइन पर तो हेड ही आए लेकिन सेकंड कॉइन पर क्या आ जाए, टेल आ जाए। इसी तरह से टेल हेड, इसी तरह से टेल। देयर आर वेरियस पॉसिबिलिटीज, देयर आर दीज फोर पॉसिबिलिटीज जब हम दो कॉइन्स को इकट्ठे टॉस कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे 4 और उसके लिए जो सैंपल स्पेस है वो क्या है, HH HT TH and TT। हमने डिस्कस किए थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स। नल इवेंट इज द इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1। इसी तरह से हमने सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट, फेवरेबल केसेस, जिस भी इवेंट के हैपन होने की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है दोज इवेंट्स आर नॉन एज, उतने ही केसेस उसके जो है फेवरेबल केसेस काउंट होंगे। जैसे अगर हम बात करें कि मैंने टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, एक बार कार्ड्स थ्योरी को हम यहाँ से समझेंगे। वी नो दैट टोटल कार्ड्स होते हैं 52। इन 52 कार्ड्स में से डियर व्यूअर्स देयर आर सम कार्ड्स जो कि होते हैं रेड इन कलर और कुछ दूसरे कार्ड्स होते हैं जिनका कलर होता है ब्लैक। तो रेड कार्ड्स कितने होते हैं, रेड कार्ड्स आर 26। फर्दर इन 26 कार्ड्स की भी आप डिवीजन कर सकते हैं। व्हाट दैट डिवीजन इज, आउट ऑफ दीज 26 देयर आर सम कार्ड्स नॉन एज हर्ट, दीज आर 13 इन नंबर, और कुछ कार्ड्स होते हैं डायमंड कार्ड्स और डायमंड कार्ड्स आपके पास टोटल होते हैं ये भी 13। इस तरह से हमने जो बात की कि ब्लैक कार्ड्स, तो ब्लैक कार्ड्स भी होते हैं 26 इन नंबर क्योंकि टोटल कार्ड्स 52 थे, 52 में से 26 आर रेड, सो द रिमेनिंग 26 आर ब्लैक इन कलर। फर्दर ब्लैक कलर के जो कार्ड्स हैं हमारे पास, इनमें से कुछ कार्ड्स क्लब कार्ड्स होते हैं
these are 13 in number and some cards are spades which are again 13 in number. Further, in 13 में से 2 to 10, अब 13 cards हैं तो इन में से कुछ cards पर numbering दी होती है. Numbering यानी 1, 2, 3, 4 up to 10. 13 में से 10 cards ऐसे हैं जिन पर number लिखे हैं, लेकिन इन में से 1 को हम number cards में add नहीं करते. 2 to 10 cards are known as number cards. और जो 1 है उसे हम count करते हैं aces में. इक्का आप सबने सुना है. तो हमारे पास इन हर्ट्स में से 13 में से 9 नंबर कार्ड्स हो गए. एक इक्का और एस, वन इज किंग और बादशाह, वन इज बेगम और क्वीन यू कैन से, और एक कार्ड आपके पास होता है जैक कार्ड. तो अब हम अगर काउंट करते हैं इन सभी कार्ड्स को, सो यू विल फाइंड दैट दीज आर 13 इन नंबर्स, 9, 10, 11, 12 एंड 13. तो इसी तरह से डायमंड कार्ड्स, क्लब कार्ड्स और स्पेड कार्ड्स, इन सभी को हम इन 13 कार्ड्स में डिवाइड कर सकते हैं. तो एज अ होल अगर हम चेक करते हैं कि हमारे पास टोटल कितने किंग कार्ड्स हुए, टोटल कितने क्वीन कार्ड्स हुए, तो टोटल किंग कार्ड्स हमारे पास हो जाते हैं 4, जिनमें से 1 इज हर्ट, 1 इज डायमंड, 1 इज क्लब एंड 1 इज स्पेड. इसी तरह से क्वीन कार्ड्स भी रहेंगे 4, जैक कार्ड्स भी हमारे पास हैं 4, और इसके बाद जो एसेस हैं, एसेस भी हैं 4. ये 12 कार्ड्स इन पर फेस बने होते हैं, यानी किंग, क्वीन एंड जैक. इन 12 के 12 कार्ड्स को हम बोलते हैं फेस कार्ड्स. और जब हम इन 16 की 16 कार्ड्स की कोलैबोरेशन करते हैं, तो उन 16 कार्ड्स को हम बोलते हैं ऑनर कार्ड्स. सो दिस इज द कार्ड थ्योरी. हम जब भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन रिलेटेड टू कार्ड्स करना चाहते हैं, आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस भी करेंगे, उससे पहले ये कंप्लीट थ्योरी हमें क्लियर होनी चाहिए. जैसे अगर मैं आपको पूछती हूँ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड, अगर हम 52 कार्ड्स में से एक कार्ड टॉस करते हैं तो या सेलेक्ट करते हैं, तो हमें पता है कि टोटल 52 में से 26 कार्ड्स रेड हैं, तो रेड कार्ड कैलकुलेट करने की प्रोबेबिलिटी होगी 26 / 52. और ये 26 जो है, दीज आर द फेवरेबल केसेस फॉर सेलेक्टिंग अ रेड कार्ड. इसके बाद हमने डिस्कस किया था एग्जॉस्टिव केसेस, दस मिशली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, दस हमने ऑल डिस्कस किया है इक्वली लाइकली इवेंट. अब इक्वली लाइकली इवेंट का जो मतलब है वो हम यहीं से कार्ड्स के एग्जांपल से ही डिस्कस कर लेते हैं. जब भी आप कोई कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, सो देयर विल बी अ वर्ड मेंशन देयर, वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स. वेल शफल्ड का मतलब है मुझे पहले से पता है कि बहुत अच्छे से उनकी जो है वो शफलिंग की गई है. मुझे जिसके कारण नहीं पता कि कहाँ पर कोई कार्ड किंग हो सकता है, बिना देखे हम एकदम से कोई भी कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, तो 52 के 52 कार्ड्स में से कोई एक कार्ड सेलेक्ट होने के लिए इक्वली लाइकली चांसेस हैं, तो उसे हम बोलते हैं इक्वली लाइकली. ऑलराइट, हमने डिस्कस किया कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है और सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, दैट द सम ऑफ हैपनिंग ऑल ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट्स जो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, वो सम हमेशा होता है 1. नल इवेंट की प्रोबेबिलिटी, दैट इज ऑलवेज 0, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट, दैट इज ऑलवेज 1. किसी भी इवेंट के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करती है, लाई करती है. और दूसरी एक बात है, कोई इवेंट का होना और उस इवेंट का ना होना, उन दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम होगा 1. जैसे हम बात करें कि एक बैग के अंदर देयर आर सम रेड बॉल्स, देयर आर सम ब्लू बॉल्स. रेड कलर की है 7 और ब्लू कलर की है 8 बॉल्स. अगर मैं बोलती हूँ कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, तो अनडाउटेडली आंसर होगा 7 / टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, दैट इज 15. और अगर क्वेश्चन हम इसका अपोजिट पूछते हैं, हम पूछते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड इन कलर, तो रेड कितनी बॉल्स नहीं है यहाँ पर, देर आर 8 बॉल्स विच आर नॉट रेड. तो इवेंट ई अगर हम एज्यूम करते हैं ऑफ सेलेक्टिंग अ रेड बॉल, तो इवेंट ई नोट होगा ऑफ नॉट गेटिंग अ रेड बॉल, सो द प्रोबेबिलिटी फॉर द सेम इट विल बी 8/15. लेट अस डिस्कस वेरियस क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सेम. हियर इज अ क्वेश्चन, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई, हमने एक डाई टॉस की, वो डाई टॉस करने पर, दिस इज एन अनबायस्ड डाई,
अनबायस्ड वर्ड का मीनिंग हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। हमने शोले मूवी बहुत से व्यूअर्स ने देखी होगी, तो शोले मूवी में जो कॉइन होता है अमिताभ के पास, वो कॉइन जो है दैट इज नॉट अनबायस्ड कॉइन, दैट इज अ बायस्ड कॉइन। उसे पता है कि दोनों ही साइड इसमें हेड है, वो जो भी उसने कंडीशन बोलनी है, तो कुछ भी टॉस करने पर, कितनी भी बार ऐसे कॉइन को टॉस करें जिस कॉइन में बोथ साइड पर है ही हेड, तो दैट इज क्लियर कि उसमें टॉस करने पर हेड ही आने वाला है, टेल आने के चांसेस नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारी जो डाई है दिस इज अनबायस्ड, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में से कोई भी एक नंबर हमारे पास ऑब्टेन किया जा सकता है। और हमारा क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 4, यानी इन सब में से 4 आ जाए टॉसिंग पर, तो उस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इट विल बी 1/6, क्योंकि हमें पता है कि टोटल पॉसिबल केसेस यहाँ पर 6 हैं और 4 आ सके ऐसा एक ही केस है, सो द आंसर फॉर द सेम इट विल बी 1/6। नाउ लेट अस डिस्कस द 5th पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। मैं चाहूंगी कि कुछ पार्ट्स जो हम बीच में छोड़ रहे हैं वो हमारे व्यूअर्स देमसेल्फ सॉल्व करें और हमारे साथ आंसर्स जरूर शेयर करें। तो लेट अस डिस्कस 5th पार्ट। इट इज एन इवन नंबर और देयर इज अ वर्ड मेंशनड और अ मल्टीपल ऑफ 3। तो जब भी और यहां पर आ रहा है तो डियर व्यूअर्स इसका मतलब है कि या तो वो नंबर जो सेलेक्ट होना वाला है इवन हो सकता है या फिर वो नंबर हमारे पास मल्टीपल ऑफ 3 हो सकता है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि एफ इज द इवेंट ऑफ गेटिंग आइदर एन इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3। तो सबसे पहले हम चेक करें यहां पर कितने नंबर ऐसे हैं जो इवन है। दीज आर 2, 4 एंड 6, यानी इन 6 केसेस में से ये 3 नंबर्स 2, 4 और 6 हम इस पर्टिकुलर इवेंट में काउंट करेंगे, क्योंकि ये तीनों ही इवन नंबर्स हैं। और सेकेंड केस है सेम इवेंट के लिए अ मल्टीपल ऑफ 3। तो अब हम चेक करेंगे कि ऐसे कितने नंबर्स यहाँ पर हैं विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3। तो हम देख सकते हैं 3 के टेबल पर 3 एंड 6, ये दोनों ही नंबर्स 3 से डिविजिबल हैं, देयरफॉर दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 3। हमने लिख दिया 3 एंड 6। लेकिन अब हम ध्यान से अगर ऑब्जर्व करते हैं अपने इवेंट में, तो 6 इज अ नंबर जो ट्वाइस रिपीट हो गया है, ये इवन नंबर भी है और ये 3 का मल्टीपल भी है, तो इसलिए आप इसे 2 बार गलती से नहीं लिखेंगे। दैट इज क्लियर कि जो भी नंबर हमारे पास है वो सिंगल टाइम ही काउंट होगा। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज गिवन बाय 4/6 और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2/3 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। द 6th पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप दोनों ही पार्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं, पार्ट 5th एंड पार्ट 6th को, तो सिर्फ एक ही वर्ड का डिफरेंस है। वहां पर था कि जो नंबर सेलेक्ट हो रहा है वो या तो इवन हो या फिर 3 का मल्टीपल हो। बट इन दिस 6th पार्ट द क्वेश्चन इज द नंबर शुड बी आइदर एन इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3। तो व्हाट डू यू मीन बाय इवन नंबर। अगेन 2, 4, 6 एंड का मतलब है दोनों ही कंडीशन जो हैं वो सेटिस्फाई होनी ही चाहिए, फर्स्ट कंडीशन एज वेल एज द सेकेंड कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास कि नंबर इवन होना चाहिए, सेकेंड कंडीशन है नंबर मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 3। एंड का मतलब है दोनों ही कंडीशन अप्लाई हो, तो इसका मतलब कितने ऐसे नंबर हैं यहाँ पर जिनके लिए दोनों कंडीशन मल्टीप्लाई हो रही हैं, ऐसा एक ही नंबर है। तो अगर मैं इस इवेंट को इवेंट जी एज्यूम करती हूँ, तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, दैट इज 1/6। और ये 1 केस कौन सा है, दिस केस इज जो दोनों के लिए कॉमन है। तो हमें ध्यान रखना है कि और का मतलब है वो सभी इवेंट्स, सभी के सभी केसेस काउंट होंगे इन द पर्टिकुलर इवेंट जिसके लिए या तो फर्स्ट या तो सेकेंड कंडीशन ट्रू हो रही है। लेकिन अगर एंड आपके पास स्टेटमेंट में गिवन है, दैट मीन्स दोनों ही कंडीशंस का फुलफिल होना मस्ट है। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई वांट आवर व्यूअर्स टू सी दिस क्वेश्चन एंड टू सॉल्व दिस ऑन देयर ओन। हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंड द क्वेश्चन हियर इज देयर इज अ स्टूडेंट और एनी चाइल्ड नेम्ड एज मोहित, ही बायज अ फिश फ्रॉम अ शो for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from the tank. Shopkeeper के पास एक टैंक है, उस टैंक के अंदर कुछ यहाँ पर मेल फिशेज हैं और कुछ यहाँ पर फीमेल फिशेज हैं। 5 टोटल मेल फिश हैं एंड टोटल
8 फीमेल फिश हैं। जब वो फिश बाहर निकाल रहा है तो वो नहीं देख रहा कि मैं जो फिश उस कस्टमर को दे रहा हूँ वो मेल फिश है या फिर वो फीमेल फिश है। ही इज जस्ट टेकिंग आउट अ फिश एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। तो इट इज अ स्ट्रेट डायरेक्ट क्वेश्चन, द आंसर फॉर द सेम विल बी मेल, यानी कि फेवरेबल केसेस हमारे कितने हैं 5। टोटल पॉसिबल केसेस हम समझ सकते हैं इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फिश एंड व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर इवेंट। अगर हम अपने इवेंट को ई इवेंट एज्यूम कर लेते हैं इस पर्टिकुलर इवेंट को, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5/13। डियर व्यूअर्स, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किसी भी केस में प्रोबेबिलिटी लेस देन 0 नहीं होगी, दैट मीन्स इट विल नेवर नेवर बी नेगेटिव एंड इट विल नेवर बी ग्रेटर देन 1। The answer can be 0, the answer can be 1 or the answer can be between 0 and 1. तो जब भी आपका numerator denominator से less है तो हमें clear है that the answer is 0 point something. Now let us discuss one more question. Again we will discuss the concept of AND and OR and it is a general question. ये ना cards theory से directly related है, ये ना ही coin से directly related है. So let us discuss 17 general cards. पड़े हैं एक बॉक्स के अंदर जिन कार्ड्स पर नंबरिंग गिवन है 1, 2, 3, 4 और हम स्लिप्स भी बोल सकते हैं अप टू 17, इस तरह से नंबरिंग लिखी है। इनको मिक्स्ड किया गया है प्रॉपरली एंड आफ्टर दैट अ कार्ड आउट ऑफ दीज इज थ्रोन आउट, इज टेकन आउट फ्रॉम द बॉक्स विदाउट व्यूइंग इन द बॉक्स, बिना देखे, यानी रेंडम सेलेक्शन है। दिस इज अ रेंडम एक्सपेरिमेंट और आपका क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड is a prime number. Very good question. It is prime number. तो यानी कि आपको 1 to 17 के बीच के जितने भी prime numbers हैं उन्हें count करना है. Let us suppose this event to be event E1. क्या आप बोल सकते हैं कि 1 is a prime number? No. हमें पता है कि 1 ना तो prime number होता है, ना ही composite number होता है. 1 is neither prime nor composite. उसके बाद वो सभी नंबर्स जो सिर्फ 2 ही टेबल्स पर डिवाइड होते हैं या फिर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं 1 एंड इटसेल्फ, वो नंबर्स होते हैं प्राइम, जैसे 2, 3, 5, 7। अब 9 जो है दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, व्हाई सो, क्योंकि 9 3 के टेबल पर भी डिविजिबल है तो 9 को काउंट नहीं करेंगे हम। देन 11, 13 and 17, these all are the prime numbers. Therefore, probability for getting a prime number that will be 7 divided by the total number of cards, which is 7/17. इसी तरह से second part है कि जो number select हो रहा है that must be divisible by 3 and 2 both. 3 से भी divisible होना चाहिए और 2 से भी divisible होना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से numbers हैं between 1 to 17 जो 3 और 2 दोनों के ही table पर आते हैं। There are two ways of doing this. या तो हम सीधा ही सोचेंगे कि 3 और 2 का least common multiple कौन सा number है, that is 6। और आप 6 के table पर आने वाले numbers between 1 and 17 count करेंगे और आपकी probability होगी 2/17। There is another way. What that is? आप पहले 2 के सभी मल्टीपल्स लिख लें, देन आप 3 के सभी मल्टीपल्स लिख लें अप टू 17, क्योंकि यहां पर जितने कार्ड्स हैं उन पर नंबरिंग अप टू 17 ही है। और अब आप इन दोनों में जो कॉमन नंबर्स हैं उन्हें सेलेक्ट कर लें, दीज आर दीज 2 ओनली, सो द आंसर विल बी 2/17। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन दिस इट इज गिवन दैट द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय आइदर 3 और 2। दिस टाइम और इज मेंशन्ड हियर, तो आप वो सभी नंबर्स लेंगे जो 2 के टेबल पर डिविजिबल हैं। यू विल टेक ऑल द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 3 एंड यू विल काउंट दीज नंबर वंस जो 2 और 3 दोनों ही टेबल पर कॉमन आ रहे हैं एंड आफ्टर दैट वी विल राइट द प्रोबेबिलिटी फॉर द सेम। नाउ लेट अस डिस्कस, यस दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम कार्ड्स थ्योरी। 52 कार्ड्स हमारे पास हैं, हमें इन 52 कार्ड्स में से कार्ड सेलेक्ट करने हैं। लेट अस सी द पार्ट्स 1/1। सभी पार्ट्स की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, फेस कार्ड्स, ऑनर कार्ड्स। कंप्लीट कार्ड थ्योरी की नॉलेज अगर हमें होगी सिर्फ तब हम इन क्वेश्चंस का आंसर्स प्रॉपरली दे पाएंगे। नाउ व्हाट इट इज, अ कार्ड इज थ्रोन फ्रॉम 52 कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड जो भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं टू बी अ किंग ऑफ हर्ट्स।
सो लेट अस थिंक इन डेप्थ अबाउट इट. हमें पता है टोटल 4 किंग्स होते हैं, लेकिन उसने बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ हर्ट्स. तो हर्ट्स में कितने किंग होते हैं? दिस इज ओनली 1. अब फेवरेबल केस हमारे इस इवेंट के, अगर हम इस इवेंट को इवन एज्यूम करते हैं, इस इवेंट के लिए फेवरेबल केस क्या हो गया? ओनली 1. एंड व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1? दैट विल बी 1/52. कुछ व्यूअर्स क्या गड़बड़ कर देते हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्या गड़बड़ करते हैं, उन्हें लगता है अ किंग ऑफ हर्ट्स, दैट मीन्स द आंसर इज 1/13, क्योंकि 13 हर्ट्स होते हैं. सो इस तरह की मिस्टेक हम अपने एग्जाम में ना करें. दिस विल बी अ रॉन्ग आंसर. व्हाट इज द रीजन? क्योंकि आपको कार्ड जो सेलेक्ट करना है वो 52 कार्ड्स में से सेलेक्ट करना है. टोटल 13 कार्ड्स आपके पास नहीं है, आपके टोटल कार्ड्स 52 ही हैं. दैट्स व्हाई द आंसर विल बी 1/52. इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज आइदर क्वीन और अ जैक. जो कार्ड हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो या तो क्वीन कार्ड होना चाहिए या फिर जैक होना चाहिए. अभी कोई भी कंडीशन नहीं दी कि क्वीन कार्ड जो है वो हर्ट हो या डायमंड हो या रेड इन कलर हो या जैक के लिए भी ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है. देयरफॉर यू विल थिंक ऑफ ऑल 4 क्वींस, ऑल 4 जैक्स. एंड द क्वेश्चन इज आइदर अ किंग और अ जैक. तो आपको पता है जब और आ जाता है तो सभी केसेस को प्लस किया जाता है, सिर्फ कॉमन केसेस को हम एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो यहाँ पर कोई भी केस कॉमन नहीं है. 4 जो कार्ड क्वीन है वो जैक नहीं है, कोई भी जैक कार्ड क्वीन नहीं है. सो द आंसर फॉर दिस विल बी 8/52, और ऑन कैंसलेशन यू आर गेटिंग 2/13 फॉर इट. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन इज द कार्ड शुड बी अ फेस कार्ड. ओके, तो फेस कार्ड्स टोटल होते हैं 12. ऑल द किंग, ऑल द क्वींस, ऑल द जैक्स, दीज ऑल विल बी कंसिडर्ड एज फेस कार्ड्स. सो द आंसर विल बी 12/52. लेट अस डिस्कस द फोर्थ पार्ट ऑफ द सेम. इट इज नाइदर अ किंग नोर अ क्वीन. मतलब हमने 52 में से जो एक कार्ड सेलेक्ट किया है वो किंग नहीं होना चाहिए या तो फिर क्वीन नहीं होना चाहिए. बाकी कुछ भी हो सकता है, वो नंबर 2 हो सकता है, वो कोई एस हो सकता है, नंबर 10 हो सकता है. तो हम क्या करें, हम एज्यूम कर लेते हैं लेट ई इज द इवेंट ऑफ गेटिंग नाइदर अ क्वीन नॉर अ किंग. ओके, सो या तो आप क्या करें, आप सोच लें डायरेक्ट ही कि कितने कार्ड्स ऐसे हैं जो या तो किंग या तो क्वीन है. दीज आर 18 नंबर, बट हमें ये 8 नहीं चाहिए. तो टोटल कितने नंबर्स बच जाते हैं? आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस 8 फ्रॉम 52 वी आर गेटिंग 44. दैट मीन्स हमने जो कार्ड सेलेक्ट करना है वो इन 8 कार्ड्स में से नहीं होना चाहिए, वो किंग नहीं होना चाहिए, क्वीन नहीं होना चाहिए, बट रिमेनिंग 44 कार्ड्स में से वो कोई भी कार्ड हो सकता है. देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी फॉर दिस विल बी 44/52. इसी क्वेश्चन को करने का एक और मेथड क्या है, हम पहले आइदर किंग और क्वीन निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं. यानी कि इस इवेंट के, जो इवेंट का हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी हमने पहले निकाल ली, और इसके बाद हमें पता है कि किसी भी इवेंट का होना और उसका ना होना, इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा होता है 1. आफ्टर दिस वी विल पुट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट हियर, एंड ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन आपको सेम आंसर मिलेगा विच इज 44/52, जिसे कि हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके लिख सकते हैं, एंड द आंसर विल बी फाइनली 11/13. बिल्कुल इसी तरह से फिफ्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आई वुड लाइक माई व्यूअर्स टू सॉल्व ऑन देयर ओन. और अभी हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं विच इज दिस वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. दिस इज कहता है कि किसी भी लीप ईयर में टोटल, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर आवर व्यूअर्स टुडे, एंड आई वुड लाइक देम टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी एंड डिस्कस द प्रॉब्लम इफ दे हैव एनी विद अस. सो व्हाट दिस क्वेश्चन इज, इन अ लीप ईयर, लीप ईयर की बात आती है तो आपको पता है कि टोटल 366 डेज होते हैं लीप ईयर में. 53 संडेज आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? हमें पता है कि अभी जैसे न्यू ईयर शुरू हुआ है एंड दिस इज ईयर 2023, सो 2023
इज नॉट अ लीप ईयर बिकॉज इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4. बट अगर हम बात करते हैं 2024, द नेक्स्ट ईयर दैट विल बी अ लीप ईयर जिसमें टोटल 366 डेज होंगे. तो इन 360 डेज की अगर हम बात करें तो टोटल 52 वीक्स होते हैं और 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं, यानी कि 7 मंडेज, 7 ट्यूजडे, 7 वेंसडे, थर्सडे, सब कुछ 52 होते हैं, नॉट 7. 52 संडेज होते हैं किसी भी ईयर में, 52 मंडेज होते हैं. वीक का हर दिन 52 टाइम्स तो आता ही आता है, बट लीप ईयर में कोई 2 दिन ऐसे होंगे जो मंडे ट्यूजडे, या तो ट्यूजडे वेंसडे, या तो वेंसडे थर्सडे, या तो थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे और संडे मंडे. यानी कि इन 2 दिनों के लिए ये 7 केसेस पॉसिबल हैं. ऐसा नहीं हो सकता कि इनमें से कोई एक दिन मंडे और कोई एक दिन थर्सडे हो जाए, क्योंकि हमें पता है डेज कॉन्टिन्यूटी में चलते हैं. और हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी थी फॉर फाइंडिंग 53 संडेज. तो 52 डेज के लिए तो हर किसी की प्रोबेबिलिटी, हर किसी डे की प्रोबेबिलिटी 111 है. तो इस 53rd डे संडे होने के जो फेवरेबल केसेस हैं, दीज आर दीज 2 आउट ऑफ टोटल 7. सो द प्रोबेबिलिटी फॉर द सेम इज 2/7. दिस इज द आंसर एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर व्यूअर्स. आई वुड लाइक यू ऑल टू सॉल्व इट अगेन. जी जी मैम, सविता मैम बहुत बहुत धन्यवाद. और हमारे सेशन को वाइंड अप करने का भी वक्त आ गया है. और आपने बहुत ही खूबसूरती से ये जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर के सम सॉल्व करे और हमारे स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स को बताया. और लास्ट क्वेश्चन जैसा कि आपने बताया इम्पॉर्टेंट है, वो नोट डाउन करेंगे सभी स्टूडेंट्स. तो मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया. धन्यवाद मैम. जी धन्यवाद. सो डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, आप सभी देख रहे थे हमें ई विद्या चैनल नंबर 10 पे, हमारे एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे. और हम जाते जाते एक महत्वपूर्ण सूचना आपसे साझा करना चाहते हैं कला उत्सव से रिलेटेड. आप सभी को पता है कि कला उत्सव 3 जनवरी से शुरू हो गया है जो 7 जनवरी तक चलेगा और भुवनेश्वर से इसका सीधा प्रसारण किया जा रहा है. कला उत्सव एंड इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑर्गेनाइज्ड बाय एनसीईआरटी एट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर उड़ीसा. तो आइए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक. India is our land of diverse culture and glory. Let's showcase the art with the glimpses of its story. We hear the sound of music, we dance to anklet bells. Paint a picture, make some toys rejoice. Let's do solo acting, let's dance. Let's sing and paint. Some toys rejoice. Kala Utsav, Kala Utsav, Kala Utsav, Kala Utsav. Children from every nook and corner will perform. Oh, great! We will have glimpses from each and every state. We hear the sound of music. We dance to anklet bells. Paint a picture, make some toys rejoice. We hear the sound of music, we dance to anklet bells. Paint a picture, make some toys rejoice. The loud song, the loud song, the loud song, the loud song. Kala Utsav, an initiative of the Department of School Education and Literacy, Ministry of Education, Government of India, announces Kala Utsav, organized by NCERT from 3rd to 7th January 2023 at Regional Institute of Education, Bhubaneswar. Kala Utsav. Kala Utsav.
जी स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, अभी आप देख रहे थे कला उत्सव की एक छोटी सी झलक, जिसमें विद्यार्थियों ने बहुत ही खूबसूरत कला का प्रदर्शन किया और बहुत ही सुंदर झलकियां थी। और अब हम आपसे कहना चाहेंगे कि हमें आज्ञा दीजिए, क्योंकि अब हमारा ये सत्र समाप्त होने जा रहा है। लेकिन आप कहीं मत जाइए, आप जुड़े रहिए ई विद्या चैनल से, क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर से उपस्थित होंगे सोशल साइंस का एक सत्र लेकर। नमस्कार।